आपको बता दें, आपको सीधे लिए चलते हैं रुद्रपुर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड का आज दौरा है और रुद्रपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब से कुछ ही देर में सभा को भी प्रधानमंत्री मोदी आपको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर रुद्रपुर से आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी को आप देख पाएंगे मंच पर, सीएम धामी मौजूद हैं। और देखिए, विजय शंखनाद इस रैली का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो कि जुटे हुए हैं चुनावी प्रचार प्रसार में, मेरठ से जिसकी शुरुआत हुई, और आज इस रैली को नाम दिया गया है शंखनाद रैली, विजय शंखनाद रैली इसका नाम दिया गया है। और अब से थोड़ी ही देर में देवभूमि से आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर सभा को संबोधित करते हुए अब से बस थोड़ी ही देर में नजर आने वाले हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव आपको दिखा रहे हैं रुद्रपुर से, जहां पर सीएम धामी आपको नजर आ जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर प्रचार प्रसार शंखनाद करेंगे चुनावी प्रचार प्रसार का, और अब जितने भी स्टार प्रचारक है वो सब अब मैदान में उतर जाएंगे, क्योंकि अब बहुत नजदीक है उत्तराखंड में पहले ही चरण में, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं 5 सीटों पर। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, नामांकन यहां पर संपन्न हो चुके हैं, कई दिग्गज लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी को अपने पांचों उम्मीदवार अपने अपने लोकसभा प्रचार में जुटे हुए हैं, और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी जो कि यहां पर पहुंच रहे हैं चुनावी आगाज करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के हैं। मंच से तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, यहां पर देवभूमि में देव धरती पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। देखिए, शंख देकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है देव धरती पर, देवभूमि पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत सत्कार की तस्वीर। और अब से थोड़ी देर में शंखनाद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली का करते हुए आपको नजर आएंगे। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर ट्वीट भी किया था थोड़ी देर पहले, और कहा कि चुनावी शंखनाद बहुत ऐतिहासिक आज होने वाला है, देवभूमि उनका स्वागत करती है, सीएम धामी उनका स्वागत करते हुए शंख उनको दिया गया है। देवभूमि की जनता हमेशा से उनका गर्मजोशी से स्वागत करती आई है। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, उनका स्वागत सत्कार देव धरती पर किया जा रहा है, देवभूमि पर किया जा रहा है। अब मैं मात्र शक्ति को शक्ति देने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मात्र शक्ति ने वे सम्मान करेंगे, जिनमें आशा नौटियाल जी हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा, सीमा सरकार नगर पंचायत की चेयरमैन, रश्मि रसनो की प्रदेश उपाध्यक्ष, मोहनी पोखरिया प्रदेश उपाध्यक्ष, उषा चौधरी जी प्रदेश निर्वतन मेयर, सरिता आर्य जी माननीय विधायक, रेणु अधिकारी जी पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन, विस्मृति चिन्ह देकर एपन की जो कि पहाड़ की कला है माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे, उनका स्वागत अभिनंदन। इसके साथ ही मैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के प्रत्याशी अजय टमटा जी से आग्रह करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्मोड़ा की कला स्मृति चिन्ह के रूप में उनको भेंट करें, और आदरणीय अजय भट्ट जी से भी आग्रह करूंगी कि वे नीम करोली बाबा की स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ में इसके साथ ही कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए समय की बाध्यता को देखते हुए अब मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनके लिए संक्षिप्त रूप में कहूंगी कि देवभूमि के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, कई ऐतिहासिक फैसले लेने वाले हमारे खाकड़ मुख्यमंत्री धामी जी, जो युवाओं की पहचान बनाने में सफल हुए हैं और एक सैनिक पुत्र हैं, ऐसे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे हम सबको इस विजय शंखनाद रैली में संबोधित करते हुए कृतार्थ करें। भारत माता की,
भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक विजय संकल्प रैली जो कि हमारे इस ऐतिहासिक मैदान मोदी मैदान पर हो रही है, मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल और उधम सिंह नगर के हमारे यहाँ के प्रत्याशी और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, और वहीं दूसरी लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ उसके सांसद और हमारे प्रत्याशी भाई अजय टमटा जी, मंच पर आसीन हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, चुनाव के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भावना जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी मंत्रीगण, सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, एवं दूर दूर से कोने कोने से उत्तराखंड के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं मंच पर विराजमान विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज विजय शंखनाद रैली जो उत्तराखंड में हमारे इस उधम सिंह नगर में रुद्रपुर जिला केंद्र पर हो रही है, उस जिला केंद्र पर जो कि हमारा ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, साथ ही साथ औद्योगिक नगरी रुद्रपुर पधारने पर आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा पांचों सीटों पर ये एक भारी बहुमत से यहाँ की पांचों सीटें जीतकर 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे, हमारा पूरा